हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भारत देश के राष्ट्रपतियों के बारे में, हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके विपक्ष में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हुए और उनके बारे में। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति व उनके कार्यकाल के बारे में, उनके विपक्ष कौन से उम्मीदवार भी खड़े थे इनके बारे में हम जानेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल था 1950 से 1962 तक। उनके विपक्ष उम्मीदवार कौन से थे? पहले उम्मीदवार थे उनके केटी शाह और दूसरे उनके उम्मीदवार थे चौधरी हरिराम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार इस देश के राष्ट्रपति बने थे, एक बार 1950 से 1955 तक और दूसरी बार 1955 से 1962 के मध्य। उनके दूसरे कार्यकाल के उम्मीदवार थे चौधरी हरिराम। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। उनके विपक्ष उम्मीदवार थे चौधरी हरिराम। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे कोका सुबराव। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते ही उनकी निधन हो गया था। तत्पश्चात तत्काल उपाध्यक्ष बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते ही उनका निधन हो गया था, इसलिए भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। उनके विपक्ष में उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। उनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। इनके विपक्ष के उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पांचवें राष्ट्रपति थे फराकुद्दीन अली अहमद। इनका कार्यकाल था 1974 से 1977 तक। इनके विपक्ष के उम्मीदवार थे त्रिदीप चौधरी। इनका फराकुद्दीन अली अहमद पांचवें राष्ट्रपति थे हमारे देश के। उनका कार्यकाल था 1974 से 1977। इनके विपक्ष के उम्मीदवार थे त्रिदीप चौधरी। भारत के छठवें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। और जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, मतलब इनके विपक्ष में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सातवें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। इनके विपक्ष के उम्मीदवार थे एच आर खन्ना। भारत के सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक। विपक्ष के उम्मीदवार उनके कौन थे? एच आर खन्ना। भारत के आठवें राष्ट्रपति थे हमारे भारत के आठवें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण। उनका कार्यकाल था 1987 से 1982 तक। भारत के आठवें राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण, 1987 से 1992 तक। भारत के नवे राष्ट्रपति थे हमारे
शंकर दयाल शर्मा, उनका कार्यकाल क्या था 1992 से 1997 तक। उनके विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? जॉर्ज सेवेल। भारत के नवे राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। उनका कार्यकाल कब से था? 1992 से 1997 तक। उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे जॉर्ज सेवेल। भारत के दसवें राष्ट्रपति कौन थे हमारे? भारत देश के दसवें राष्ट्रपति थे के आर नारायण। उनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। भारत के दसवें राष्ट्रपति थे के आर नारायण, 1997 से 2002। उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे टी एन शेषन। उनका क्या नाम था? टी एन शेषन। दसवें राष्ट्रपति थे हमारे के आर नारायणा। उनके कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। 2002। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम। उनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। उनका कार्यकाल कब से था? 2002 से 2007 तक। उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे ए पी जे अब्दुल कलाम। उनका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। विपक्ष के उम्मीदवार उनके कौन थे? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल। 2007 से 2012 तक ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी, प्रतिभा देवी पाटिल। 2007 से 2012 तक विपक्ष उम्मीदवार उनके कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। उनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनका कार्यकाल था 2012 से 2017 तक। उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे पी ए संगमा। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उनका कार्यकाल कब से था? 2012 से 2017 तक। ये भी उनके विपक्ष में उम्मीदवार खड़े हुए थे पी ए संगमा। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 14वें राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद। उनका कार्यकाल कब से था? उनका कार्यकाल था 2017 से 2022 तक। और भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं हमारे 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उनका कार्यकाल 2022 से प्रारंभ हुआ है। उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा। भारत के 15वें और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू। हमारे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। यह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आइए हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि उनकी पद पर रहते ही निधन हो गया था। तत्पश्चात भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद सौंपा गया। तथा बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज मोहम्मद हिदायतुल्ला को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हमारे चुने गए थे देश के? वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत किन्हें मिला था? वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी 100%, क्योंकि इनके विरोध में कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था। और सबसे कम वोट प्रतिशत किन्हें मिला था? वीवी गिरी को, उन्हें 48% वोट मिले थे। वीवी गिरी के विपक्ष में उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी। वो हमारे देश के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति भी थे, उन्हें सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत भी प्राप्त हुआ था। और सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारी? प्रतिभा पाटिल।
और सबसे पहले सबसे लंबा कार्यकाल था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके गाइस, आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में व उनके कार्यकाल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल में पहली बार आए हैं इस सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।